आज तारीख हो चुकी है 25 अक्टूबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी बेल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वह थी टीम इंडिया के अगले मुकाबले को लेकर। दरअसल टीम इंडिया का अब वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला यहाँ पर 27 तारीख को, यानी अब परसों के दिन, अब नीदरलैंड के खिलाफ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीदरलैंड के खिलाफ दोपहर 1:30 बजे भारतीय टीम का यहाँ पर वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला होगा। और भारतीय टीम अगर नीदरलैंड को भी यहाँ पर हरा देती है, तो भारतीय टीम अपने ग्रुप में यहाँ पर एक बार फिर से टॉप कर लेगी और सेमीफाइनल के काफी करीब पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम के लिए अब अगला मुकाबला भी यहाँ पर पहले मुकाबले की तरह काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगला मुकाबला भारतीय टीम के लिए थोड़ा इजी होगा, क्योंकि नीदरलैंड की टीम ज्यादा इंटरनेशनल मुकाबले नहीं खेलती है। तो नीदरलैंड को हराना भारतीय टीम के लिए यहाँ पर पाकिस्तान को हराने से काफी इजी रहेगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या भारतीय टीम यहाँ पर नीदरलैंड को बीट कर पाएगी या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है केएल राहुल के यहाँ पर फॉर्म को लेकर। दरअसल केएल राहुल का फॉर्म लगातार टीम इंडिया के लिए चिंता बन चुकी है। जहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर केएल राहुल के पिछले कुछ इनिंग्स के आप स्कोर देख पा रहे, जहाँ पर टॉप टीम्स के खिलाफ तो ये फ्लॉप रहे, जबकि यहाँ पर छोटी टीमों के खिलाफ इन्होंने यहाँ पर बड़े अर्धशतक लगाए। फॉर एग्जाम्पल नीदरलैंड, इसके साथ ही आयरलैंड, जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ केएल राहुल का काफी अच्छा प्रदर्शन है। वही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इसके साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ ये फ्लॉप रहे। आप अपनी स्क्रीन पर इनके सारे यहाँ पर स्टेट, सारे स्कोर देख पा रहे होंगे। तो केएल राहुल का फॉर्म, इसके साथ ही केएल राहुल का बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस ना करना टीम इंडिया के लिए आज की तारीख में एक बड़ी चिंता बन चुकी है। केएल राहुल को जल्द से जल्द इस चीज का यहाँ पर सॉल्यूशन करना होगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग आखिर केएल राहुल का यहाँ पर फॉर्म में ना होना टीम इंडिया के लिए क्या यहाँ पर सेमीफाइनल से पहले समस्या हो सकती है या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है चेन्नई की तरफ से। दरअसल चेन्नई की टीम ने जाडेजा को अपनी टीम में रखने की यहाँ पर सारी कोशिशें कर ली और सारी कोशिशें अब नाकाम हो चुकी है। चेन्नई की टीम के सारे प्रयास अब नाकाम हो चुके, और जाडेजा यहाँ पर अपनी तरफ से ये पहले ही कंफर्म कर चुके थे। लगभग 4 महीना पहले ही जाडेजा कंफर्म कर चुके थे कि वो चेन्नई के साथ कंटिन्यू नहीं रहेंगे, लेकिन चेन्नई ने लगातार उनको अपनी टीम में रिटेन करने की कोशिश की। लेकिन जाडेजा ने यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया, चेन्नई के यहाँ पर खुद मालिक को इन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि चेन्नई में अब ये कंटिन्यू नहीं रहेंगे। तो यहाँ से तो ये ऑफिशियल हो चुका कि अब जाडेजा को ये टीम रिटेन नहीं कर रही, या फिर जाडेजा खुद भी इस टीम में रिटेन नहीं हो रहे। जाडेजा हमें आईपीएल 2023 के ऑक्शन में यहाँ पर आते हुए देखेंगे। तो कुल मिलाकर अब इस बात पर यहाँ पर 100% कंफर्मेशन की मोहर लग चुकी है जाडेजा का अब आईपीएल 2023 के ऑक्शन में आना 100% कंफर्म हो चुका है। वैसे आप कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम यहाँ पर जाडेजा को ऑक्शन में से परचेस करेगी और कितने करोड़ में ये बिकेंगे। इसके साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि वहां पर आपको जाडेजा अगर यहाँ पर ऑप्शन से पहले ट्रेड होते हैं तो वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर की तरफ से। दरअसल शोएब अख्तर अब भी पाकिस्तान की हार को भुला नहीं पाए, जहां पर अब भी शोएब अख्तर ने अंपायर के खिलाफ और टीम इंडिया के खिलाफ काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए। जहां पर शोएब अख्तर ने ये बताया कि अंपायर्स ने आईपीएल का अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कंटिन्यू कर लिया। जहां पर आईपीएल में अंपायर्स का 2-2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल बाद बीसीसीआई यहाँ पर अंपायर्स में यहाँ पर बदलाव करता है। तो अब शोएब अख्तर ने बताया कि जिन यहाँ पर अंपायर्स ने नो बॉल दी थी और जिन अंपायर्स ने भारतीय टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई, उन अंपायर्स का अब 2 की बजाय 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आईपीएल का पक्का हो चुका है। तो शोएब अख्तर एक तरीके से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अंपायर्स ने फिक्सिंग करी थी, अंपायर्स ने जानबूझ कर नो बॉल दी थी, अंपायर्स ने जानबूझ कर भारतीय टीम को मुकाबला जिताया था। वैसे आप कमेंट करके बताइए, आप यहाँ पर शोएब अख्तर की बात से आखिर सहमति रखते हो या फिर आप इनकी बात से सहमति नहीं रखते हो, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। दरअसल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम करंटली यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम के 2 खिलाड़ियों को यहाँ पर ट्रेड करने का विचार कर रही है, और 2 खिलाड़ियों के लिए इस टीम ने यहाँ पर गुजरात को ही प्रपोजल दिया। हालांकि गुजरात की टीम शायद इन दो खिलाड़ियों की ट्रेड को यहाँ पर अलाउ ना करे, लेकिन यहाँ पर कोलकाता ने गुजरात के लिए राशिद खान और मोहम्मद शमी को यहाँ पर ट्रेड का प्रपोजल
बदल दिया गुजरात के यहाँ पर राशिद खान को और मोहम्मद शमी को, यानी इस टीम के दो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को इस टीम ने यहाँ पर ट्रेड करने के लिए प्रपोजल या फिर ऑफर दिया। हालांकि गुजरात की टीम इन दो खिलाड़ियों को शायद अलाउ ना करे क्योंकि IPL जीतने में इन दो खिलाड़ियों का अहम रोल अहम भूमिका रही थी। तो लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर आज की तारीख में तो कोलकाता ने इनको प्रपोजल दिया, हो सकता है कि काफ़ी बड़े अमाउंट का कोलकाता ने इनको प्रपोजल दिया। वैसे आप कमेंट करके बताइए अगर ये दो खिलाड़ी कोलकाता में आते हैं तो कोलकाता के कौन से खिलाड़ियों को आखिर गुजरात की टीम को लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती हुई MS धोनी की तरफ से। दरअसल फाइनली MS धोनी की कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट शुरू हो चुकी है, जहाँ पर तमिल में तेलुगु लैंग्वेज में धोनी एंटरटेनमेंट यहाँ पर अब मूवीज प्रोड्यूस करेगा, मूवीज यहाँ पर बनाएगा। इसके साथ ही हो सकता है कि धोनी एंटरटेनमेंट कंपनी आने वाले समय में अब बॉलीवुड में भी यहाँ पर मूवीज बनाए। कल इस कंपनी का अब शुभारंभ हो चुका। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती हुई भारतीय टीम की यहाँ पर सेमीफाइनल के इक्वेशन को लेकर। दरअसल कल हुए साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के मुकाबले के रद्द हो जाने के बाद अब भारतीय टीम का सेमीफाइनल में जाना ईजी हो चुका है। भारतीय टीम के अब मुकाबले यहाँ पर नेदरलैंड, इसके साथ ही साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ यहाँ पर बच्चे। भारतीय टीम अगर यहाँ पर साउथ अफ्रीका से मुकाबला हार जाती है और नेदरलैंड को, बांग्लादेश को और जिम्बाब्वे को हरा देती है तो भी भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर भारतीय टीम का सेमीफाइनल में जाना ऑलमोस्ट कन्फर्म, ऑलमोस्ट तय हो चुका है। इसके साथ ही सेमीफाइनल के लिए भारतीय टीम की इक्वेशन काफ़ी सिंपल हो चुकी है, जहाँ पर साउथ अफ्रीका को कल का मुकाबला रद्द या फिर कल का मुकाबला ड्रॉ हो जाने से काफ़ी अधिक नुकसान हुआ है। साउथ अफ्रीका हो सकता है कि यहाँ पर पाकिस्तान से भी अब पीछे रह जाए, लेकिन साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मुकाबला इस ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा। भारतीय टीम आज की तारीख में सबसे खुश होगी क्योंकि नेदरलैंड, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को हराना भारतीय टीम के लिए काफ़ी ईजी रहेगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रुप टू से भारतीय टीम के अलावा और दूसरी कौन सी टीम यहाँ पर सेमीफाइनल में आखिर क्वालिफाई करेगी। आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी टीमें क्वालिफाई करेगी आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।